करती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। सवाल है, आपने उत्तर प्रदेश के लिए ये बात कही, मैं जानना चाहती हूँ जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहां पर तो चुनाव होने वाले, क्या यही फॉर्मूला वहां पे भी लागू करेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। माफ करिए, एक सवाल प्लीज पूछिए, उनको खत्म करने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा, क्या वो जातिगत आधार पे दिया जाएगा? क्या वो जाति के आधार पे दिया जाएगा? महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर। वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया जाएगा। नहीं, एक शायद ये इंतजार कर रही है। क्यों नहीं, आपको लड़ना है तो लड़िए। वो पीछे सब लखीमपुर वाला भी हो रहा था। मैंने उनकी बेटी का जिक्र भी किया, आप शायद सुन नहीं रही थी। सॉरी, अगर वो लड़ना चाहेंगे तो जरूर। एक मिनट रुक जाइए। सवाल ये है कि कांग्रेस में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन पिछले 2 महीने से लिए जा रहे हैं, लगभग 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन फैसला आज आप ये करते हैं कि 40% टिकट आप महिलाओं को देंगी, तो क्या जो जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी अप्लाई किया, क्या उनमें से कोई जेन्युइन नहीं थे तो 40% का फैसला करना पड़ा, या नतीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन भी अभी क्लियर नहीं है किसी के साथ होगा या नहीं होगा, या जो भी पहले के नतीजे रहे हैं, या उनको देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा कि 40% टिकट लेना पड़ा? नहीं है ये फैसला, मैंने आपको समझाया किस लिए लिया, मैंने इससे पहले काफी इलैबोरेट किया कि क्यों लिया गया है ये फैसला। ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, इसके पीछे और कोई छुपा राज नहीं है। यहाँ से कुछ जगहों पर आप सीट हार गई, तो कैसे अपने लोगों को आप इकट्ठा करेंगी? क्योंकि जिस तरह से आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रोग्राम चलाए हैं, उसके अपेक्षा कांग्रेस उतना जमीन पर दिख नहीं रही। आपको शायद मालूम नहीं होगा, पिछले 2 सालों में 18,700 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए हैं उत्तर प्रदेश में, 3 दिन से 3 महीनों के लिए लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि अगर सड़क पे कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस ही है। मैम, 2017-2019 में जिस तरह के नतीजे रहे हैं कांग्रेस के, ये सबने देखा, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में महिला मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल पाएंगी 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो, अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से।